चित्रगुप्त, बहुत दिन हुए अपनी बहन यमुना से मिले हुए। आओ चलो मिलकर आते हैं। चित्रगुप्त जी, ये भारत की राजधानी में इतना बड़ा गंदा नाला। प्रभु, ये गंदा नाला नहीं है, ये आपकी बहन यमुना है। चित्रगुप्त, हमारी बहन की हालत किसने की? भगवान, 8 वर्ष से एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर बोलता रहता है कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं खुद जाकर उसमें डुबकी लगाऊंगा, पर इतने मौकों के बाद भी नतीजा ढाक के 3 बार। देखिए ना, दिल्ली की यमुना को गंदा नाला बना के रख दिया। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। जी प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा उसको मिला धोखा। चित्रगुप्त जी, दिल्ली में 1 साल में 54,000 लोग सिर्फ प्रदूषित हवा में सांस लेने से मर गए। हाँ प्रभु, भारत की राजधानी की इतनी खराब हालत, चलकर देखाते हैं। चित्रगुप्त, यहाँ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है, मेरा तो दम ही घुट रहा है। 8 साल से एक आदमी इस जहरीली हवा का जिम्मेदार पंजाब में जल रहने वाली पराली को बताता था। नमाज कर रहा हूं। फिर वहाँ सरकार बना ली तो करा धरा कुछ नहीं, समस्या से हाथ झाड़ के बस माफी मांग रहा है। और दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं प्रभु कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को कैंसर का खतरा हो गया है। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा उसको मिला धोखा। चित्रगुप्त जी, पंजाब में अब भी लोग नशे से मर रहे हैं। हाँ प्रभु, बड़ी ही भयावह स्थिति है। चलो देखाते हैं। चित्रगुप्त, ये पंजाब के नौजवान पीढ़ी की क्या हालत हो गई है? यहाँ की सरकार कुछ करती क्यों नहीं? प्रभु, एक व्यक्ति ने यहाँ की जनता से ये कहकर मौका मांगा था कि वो पंजाब को नशे से मुक्त कर देगा। फिर सरकार बनने के बाद वो और यहाँ के सीएम पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ प्रचार करने के लिए घूम रहे। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। जिसने दिया मौका, मौका धोखा उसको मिला धोखा।